हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आज बहुत तो बढ़िया मौसम हो रहा, तो मैं अच्छा तरह को घुमाने के लिए लेके आया हुआ हूँ। और अब एकदम बारिश स्टार्ट हो गया है अचानक, तो अभी हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। तो हमारा पहले तो सोचा था कि हमने शायद कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान करेंगे, तो अब देखते हैं, अगर बारिश रुकती है इतना चलते हैं हम नीचे, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद बारिश रुकने का वेट करते हैं। कमल को इधर आ जा, को भी बारिश में खेलने में पूरा मजा आ रहा है। तो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? आलू के पराठे। आलू के पराठे, देखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस चलो हम पराठे खाते। तो गाइस खाना बन चुका है और बहुत स्वाद आ जाएगा आज खाने में, आलू के परोठे के साथ दही, और मम्मी ने इतना सारा घी भी रख दिया है इसके ऊपर। तो अब गाइस हम खाना खाते हैं। तो गाइस बारिश रुक चुकी है और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया बिल्कुल। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं मूवी देखने के लिए। कुणाल का फ्रेंड भी आ रहा है, तो पहले मैं कर लेता हूँ चेंज और फिर हम चलते हैं। तो गाइस अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हम निकल रहे हैं मूवी के लिए। तो गाइज हम जा रहे हैं आज मूवी देखने, हम देखेंगे थोर मूवी आज। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं उसके, तो सोचा आज देख के आते हैं। आज संडे भी था, मैं भी फ्री था और मेरा भाई भी फ्री था, तो आज मैंने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया है। तो आज हम चल रहे हैं मूवी देखने, और मूवी से आने के बाद फिर हम बताएंगे आपको उसके रिव्यू कि कैसे लगे हमें मूवी। फॉरन कंट्री में कितनी प्राइस होता है मूवी टिकट का? $5? आई डोंट थिंक सो, काफ़ी महंगी होती है मूवी मे बी। वो इतना कोई बताएगा, हिमाचल तो रेन रह चुका है। तो हाँ। बता क्या टिकट होता है वहाँ पे मूवी का? वहाँ पे हमें पड़ जाता था $4-5 के आसपास, $4-5। 3D में? हाँ 3D, मूवी डिपेंड करती है 3D वाली है या कौन सी है। काफ़ी सस्ता है यार ये तो, फिर वो वहाँ पे प्राइस कम है ना, इसलिए करेंसी है, इसलिए सस्ता पड़ता है। और पॉपकॉर्न का? वो सब तो महंगे ही है, वो मूवी के टिकट से महंगे है। EMI पे लेने पड़ेंगे शायद पॉपकॉर्न। तुमने कहते हैं जायदाद गिरवी रख दी है गुलशन, आज मूवी देखने जा रहे हैं हम? नहीं मैंने किडनी की बेची है। किडनी बेची है? ओ कम मिला होगा उसका तो, किडनी बची है तेरी। कोई नहीं, नेक्स्ट मूवी आएगी ना मार्वल की, उसमें दूसरी भी, दूसरी का भी काम हो जाएगा। तो गाइस हमने अचानक प्लान किया था मूवी देखने का, तो मूवी का टाइम होने वाला है, बस हमारे पास 5 मिनट रह गया। अब हम जल्दी जल्दी, 1 मिनट रह गया, अब तो हम लेट ही हो जाएंगे पक्का मूवी के लिए अभी तो, क्योंकि पार्किंग वगैरह भी ढूंढनी पड़ेगी, ट्रैफिक भी बहुत चल रहा है। गाइस ये है करनाल का सुपर मून। तो गाइस अब इंटरमिशन हो चुका है और मूवी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और कॉमेडी भी है बीच में, तो चलते हैं अंदर। तो गाइस मूवी खत्म हो चुकी है और मूवी खत्म होने के बाद जो एंड में पार्ट दिखाते हैं हम उसका वेट कर रहे हैं, और लगभग सभी लोग जा चुके हैं। तो गाइस हम देख चुके हैं मूवी और अब मूवी बहुत बढ़िया बना रखी है, बहुत अच्छी लगी मूवी मेरे को तो, ठीक थी लेकिन रैग्नारोक जितनी नहीं थी। पहले जब रैग्नारोक देखी थी तब मज़ा आ गया था, इसमें मज़ा आया लेकिन थोड़ा कम आया। हाँ इसमें थोड़ी स्टोरी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा था,
लड़ाई नहीं रहा, क्या मजा ही नहीं आया। लास्ट में इतनी अच्छी फाइट नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए काफी अच्छी है। लास्ट में बच्चों को पावर्स मिली जब जाके वो लड़े, तो कह सकते हैं बच्चों के लिए थोड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी नहीं थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाई मूवी, वैसे बहुत अच्छी थी। तो गाइस अब हम चल रहे हैं पिज्जा खाने। अब हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। ओ भाई, इतना बड़ा पिज़्ज़ा खाया जाएगा ये हमसे। मैंने खा लिया पिज़्ज़ा, अभी ये इतना सारा बच चुका है और ये दोनों अभी तक खा रहे हैं। इसके भी बस हो चुकी है। गुलशन खाएगा अभी। गुलशन से उम्मीद है कि ये 5-20 गुलशन खाएगा। खा लिया पिज़्ज़ा, कैसा लगा? मूवी देख के खाना खा के थक चुके हैं, चलिए अब घर चलते हैं। गैस बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि तूफान आएगा आज। और बारिश आने का भी मौसम हो रहा है, क्योंकि सवेरे भी बारिश आई थी। ये वैसे मुगल कनाल है, जनरली वीक डेज पे ये पूरा फुल रहता है, काफ़ी सारे कारें, पूरा क्राउड रहता है, लेकिन आज ये संडे है तो पूरा का पूरा खाली है, तो यहाँ पे आज ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा है। गाइस मूवी देख के भी मज़ा आ गया और साथ में पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आज का तो दिन पूरा अच्छा हो गया, पूरा अच्छे से चला गया। इसे कहते हैं बेस्ट वीकेंड, सीरियसली। वो देखते तेज हवा चल रही है, बारिश आएगी, बारिश आने वाली है बस। यहाँ पे टीन इतनी खड़क रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। बस बस गाइज, ये है करनाल का मशहूर बीकानेर। यहाँ के समोसे सबसे अच्छे होते हैं करनाल में, कभी भी कोई पार्टी वगैरह होती है तो सब यहीं से लेके जाते हैं। और गुलशन, तेरा क्रिप्टो क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहा है क्रिप्टो में? फिर दूसरे ले लेना कोइन अगर, या फिर अब तो तेरे पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे उसमें। इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुकी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो गया है रिकवर, बस प्रॉफिट ही आ रहा है अब तो, ठीक है। बस वो है, बस जो मेहनत करी थी ना उसके हिसाब से रिवॉर्ड देना। हाँ वही है, क्योंकि ना जो प्रॉफिट सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि हाँ इतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट कम आ रहा है, पर हाँ जितना इन्वेस्ट किया था वो सब रिकवर हो चुका है। तो क्रिप्टो बस ध्यान से करोगे तो बेस्ट है अपने लिए। करना मैंने भी था, लेकिन मार्केट डाउन चल रहा है तो अभी मैंने फिर एंट्री नहीं ली मार्केट में। मैं सोच रहा हूँ गुलशन सिखाएगा मुझे, लेकिन अभी इसका खुद ही मार्केट खराब चल रहा है। वो तो इसमें गुलशन का क्या है, वो तो कॉइन की वैल्यू कम चल रही है, इसलिए तो सही इन्वेस्ट कर रहा है। करनाल के किसी किसी रोड पे ही हरियाली है, लेकिन जहाँ पे भी हरियाली है वो रोड सबसे ठंडी है। इस सड़क का लोकल नाम भी ठंडी सड़क है।
गाइस गुलशन को हमने अब ड्रॉप कर दिया है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, बस जल्दी ही पहुँच जाएंगे और बारिश आ चुकी है। तो गाइस अब हम पहुँच चुके घर पे और चलो इस व्लॉग को आज करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। वैसे तो हम बारिश में बिल्कुल नहीं भीगे, चढ़ाते चढ़ाते हमें पूरा बारिश में भीग गया।